कोरिया जिले में जारी धान खरीदी केंद्र को लेकर किसान बेहद परेशान हैं। सबसे ज्यादा परेशानी भरतपुर सोनहत में देखी जा रही है, जहां बैगा आदिवासियों का रकबा शून्य कर दिया गया है, जबकि इन किसानों ने धान भी उगाया है, पंजीयन भी करवाया है। इन किसानों की नाराजगी यह है कि सत्ताधारी दल के नेता खरीदी केंद्रों में उनकी सुध लेने तक नहीं पहुँच रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर आंदोलन की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुखवंती सिंह का कहना है कि किसानों के नाम पर आई सरकार उनका धान नहीं खरीदने के लिए कई हथकंडे अपना रही है। बैगा आदिवासियों का रकबा शून्य करके सरकार क्या बताना चाह रही है? जनता उन्हें आने वाले समय में सबक सिखाएगी। इधर प्रभावित किसानों में राम प्रसाद का खेत का रकबा 5 एकड़ है और धान रकबा खरीदी केंद्र में पड़ताल के बाद शून्य बताया गया है। ऐसे में किसान अपना धान बेचने से वंचित हो गया। किसान को सबसे बड़ी तकलीफ सोसाइटी से लिया हुआ कर्ज पटाने का है, जिसे अब पटाने में किसान को काफ़ी दिक्कतें आएगी। वहीं भरतपुर की कंजिया, माडीसराय, जनकपुर और कोटाडोल धान खरीदी केंद्रों में पंजीकृत किसानों को रकबा शून्य कर दिया गया है। जब किसान टोकन लेने पहुंचते हैं तो उन्हें यह बताया जाता है कि आपका रकबा तो है ही नहीं। ऐसे में किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्हें अब लिए हुए ऋण की चिंता सता रही है। इस संबंध में भरतपुर तहसीलदार मनमोहन सिंह का कहना है कि मामले की जानकारी मिलने के बाद पटवारी को उक्त किसानों के घर भेजकर जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट होने की बात तहसीलदार ने कहा। वहीं प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का कहना है कि समर्थन मूल्य के बढ़ाए जाने के बाद दूसरे राज्यों से लोग छत्तीसगढ़ में धान खपाने की कोशिश में लगे हैं, जिसे रोकने कारगर कदम उठाया गया है। भ्रष्टाचार को रोकने के चलते कई किसानों को दिक्कतें जरूर आ रही है, लेकिन उसे ठीक कर लिया जाएगा। धान खरीदे में कड़ाई कर निरंतर खरीदने की प्रक्रिया भी जारी है। व्यवस्था निरंतर चल रही है और हर साल खरीदी होती कोई नई बात है नहीं, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जो बाहर के जो धान आ रहे हैं वो रुके। दूसरा, ये छत्तीसगढ़ के सरकार के खजाने की जो पैसा है वो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए है, ईमानदार जो मेहनत कश लोग हैं उनके लिए पैसा है। ये बिचौलिया है, कोचिया है, कमीशन खोर है, इनके लिए नहीं है। तो जो रोकथाम की जा रही है, तो जो बिचौलिया हमेशा या कोचिया लोग या जो भ्रष्टाचार करते थे उन पे अंकुश लगी है, इस कारण से लोगों को परेशानी हो रही है। एक ओर किसान मौसम की मार से परेशान है और दूसरी ओर सरकार उनका रकबा कम कर उनका धान लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसानों में काफी रोष देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।